वेलकम बैक माई अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज मेरा इंटरव्यू है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का, और इस प्रकार से दोस्तों मेरी ड्रेस कोड रहने वाली है, ये शर्ट वाइट शर्ट पहन के जा रहा हूँ, ब्लैक पेंट है और जूता आप देख सकते हैं, इस प्रकार से मैं जा रहा हूँ। जो सवाल मुझसे पूछने वाले उन सवालों को आप सभी को बताने वाला हूँ, और मेरा इंटरव्यू हो रहा है दोस्तों गंगापुर सिटी पंचायत समिति के अंदर। तो चलते वहाँ पे और क्या माहौल रहने वाला है हर चीज़ को हम जानने वाले, और आप सभी को लास्ट में जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद आप सभी को इंटरव्यू को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से इंटरव्यू हुआ, कौन कौन से सवाल पूछे गए मेरे साथ। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं मेरे साथ इंटरव्यू के लिए। डॉक्यूमेंट्स मैं आप सभी को बता देता हूँ क्या क्या ले जा रहा हूँ। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और पैन कार्ड, काफ़ी सारे मैं डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ। मतलब मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको मैं बैग में धरके ले जा रहा हूँ। फोटो कॉपी सब इनकी मेरे पास है ही है, बस जो मेरा एडमिट कार्ड है वो है नहीं है मेरे पास, ना ही मेरे पास फॉर्म है, तो उसको ई मित्र से निकलवा लूँगा। तो चलते मेरे साथ पंचायत समिति में आके आप देख सकते हैं इस प्रकार से सभी के लेट चेक चुकी है। मेरा नंबर भी आ चुका, लगभग मैं 4 या 5 नंबर पर मैं हूँ, और इस प्रकार से सभी स्टूडेंटों की ड्रेस कोड देख सकते हैं आप। और जो कहते हैं ना कि भाई ड्रेस कोड बताओ, तो आप देख लो ये सभी स्टूडेंटों को ड्रेस कोड किस प्रकार से, वाइट, ज़्यादातर सभी स्टूडेंटों को वाइट शर्ट है क्योंकि प्रोफेशनल लगती है वाइट शर्ट यार, और सिंपल कपड़े सबसे बेस्ट। और अभी लिस्ट चका दी गई है इधर, मैं और कोई ड्रेस दिखा रहा हूँ दोस्तों, मेरी लिस्ट नहीं दिखा रहा, मुझे पता है आप कॉल ही कॉल करेंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए और किसी की लिस्ट और किसी के नंबर आप सभी दिखा रहा हूँ। मेरी लिस्ट उस जगह पर और मेरा 5 नंबर पर है, जाटवोदा ग्राम पंचायत से। तो दोस्तों पंचायत समिति में इस प्रकार से लिस्ट लगा दी गई है, और लगाने के बाद इधर की साइड दोस्तों इस रूम में इंटरव्यू सवन का होने वाला है, और अभी इसमें ब्लैक शीशा लगा रखा है ये, और इधर से खुल रहा है। इस प्रकार से गंगापुर सिटी की पंचायत समिति है। तो दोस्तों मैं मेरा इंटरव्यू देके आ चुका हूँ, और इंटरव्यू में मुझसे 3 सवाल पूछे, क्या आपने महात्मा गांधी का प्रशिक्षण ले रखा है क्या? हाँ, एक सवाल पूछा था महात्मा गांधी के कोई 2 आंदोलनों के नाम, तो मैंने 3 के बता दिए, सभी ने अवज्ञा और दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके बाद दोस्तों मेरे से और कुछ तो पूछा नहीं, बस ये पूछा, नाम पूछा, ग्राम गाँव का नाम पूछा, बस ये पूछा है। और आपने योग्यता कौन सी कर रखी है, तो मैंने बीए फाइनल कर रखी है जो बता दी मैंने उनको, अब देखते क्या होता है। उन्होंने नाम लिख लिया सभी ने, और 4-5 बंदे बैठे थे और इंटरव्यू बढ़िया ढंग से दे रहे थे, कोई नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बताना कैसा लगता है। ट्रैक्टर पर एक चीज दिखी मुझे कि लव यू सुगली देख सकते आप, तो भाई साहब ट्रैक्टर वाला भी आशिक हो रहा है आजकल, देख सो गंगापुर रोड की रानी परीत की लाडली, आई लव यू सुगली, क्या यार दीवाने हो गए सब। सो गाइस, आज की महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का इंटरव्यू आप सभी को कैसा लगा? 3 सवाल पूछे थे, महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में बताइए, आप क्या करते हो, और महात्मा गांधी प्रशिक्षण कर रखा है या नहीं, बस ये 3 सवाल मेरे से पूछे थे। तो मैंने उनका जवाब दिया उनको कि प्रशिक्षण नहीं कर रखा, महात्मा गांधी के 3 आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 आंदोलन बता दिए थे। सिलेक्शन किस हिसाब से होने वाला कोई पता नहीं है, और दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा मजा के, पर इंटरव्यू यार 2 मिनट में ख़त्म कर दिए यार, पता नहीं चला 3 सवाल पूछे और जा भाई बस। तो बताना आप आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, घंटे को दबाओ या हिलाओ, मुझे पता नहीं है, बस क्लिक हो जाना चाहिए।